आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ्लाइट अपडेट के बारे में। जो लोग सऊदी अरबिया से इंडिया गए हुए हैं, उन लोगों का सवाल था कि नॉर्मल फ्लाइट कब से स्टार्ट होगा, मैं कब तक सऊदी अरबिया वापस आ सकता हूं। फाइनली सऊदी अरबिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी क्लियर कर दिया है कि नॉर्मल फ्लाइट कब से हम स्टार्ट करेंगे, जो लोग छुट्टी पे गए हुए हैं वो वापस कब तक आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले। जो लोग सऊदी अरबिया से इंडिया गए हुए थे छुट्टी पे, ये उनके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। सऊदी अरबिया के गवर्नमेंट ने फाइनली परमिशन दे दिया है कि अगर आप छुट्टी पे गए हो और आपका इकामा वैलिड है तो आप सऊदी अरबिया वापस आ सकते हो। 15 सितंबर के बाद आप सऊदी अरबिया आ सकते हो, फ्लाइट की परमिशन दे दिया है। सऊदी अरबिया आपको आने के लिए आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया के ट्रैवल एजेंट के पास जाकर के आप टिकट लेकर के आप बिल्कुल सऊदी अरबिया आ सकते हो। सऊदी अरबिया आने के लिए आपके पास 48 घंटे से पहले का टेस्ट होना चाहिए कोरोना का, वो टेस्ट का सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए टिकट के साथ। उसके बाद अगर आप एयरपोर्ट आते हो तो एयरपोर्ट पे चेक होगा, चेक होने के बाद फिर वो आपको परमिशन देगा सऊदी अरबिया आने के लिए, तो आप बिल्कुल आसानी से आ सकते हो। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है और आपकी छुट्टी अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ है तो आप अपने कफिल या कंपनी को कांटेक्ट कीजिए, आप उन्हें बोलिए कि फ्लाइट स्टार्ट हो गया है 15 सितंबर से, मैं आना चाहता हूं और इकामा का फीस भर दिया जाए, इकामा का डेट रिनेबल हो जाएगा, उसके बाद आप बिल्कुल आ सकते हैं। जो लोग सऊदी अरबिया से इंडिया नॉर्मल फ्लाइट के जरिए जाना चाहते हैं, जो इंडिया से सऊदी अरबिया नॉर्मल फ्लाइट के जरिए आना चाहते हैं, तो सऊदी की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2021 से नॉर्मल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगा, जैसे पहले चल रहा था सेम टू सेम वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है और ये सुन करके बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को बताया था कि बहुत जल्द ये स्टार्ट होने वाला है क्योंकि इतना लंबा अब वेट नहीं रहा। जो लोग इंडिया से सऊदी अरबिया आना चाहते हैं नॉर्मल फ्लाइट के जरिए, वो जनवरी का इंतज़ार करें। जिन भाई का वीज़ा अभी तक स्टैम्प नहीं हुआ है या वीज़ा उनका नहीं लगा है तो वो भी बिल्कुल तैयार हो जाओ, जनवरी में आप बिल्कुल आ सकते हो, जनवरी में न्यू वीज़ा निकलेगा। दिसंबर जनवरी में न्यू वीज़ा निकलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप बिल्कुल आ सकते हो। अगर आप इस वक्त इंडिया में हो और आपको वीज़ा चाहिए तो कतर के लिए आप बिल्कुल जा सकते हो, कतर के लिए वीज़ा अलाउड हो गया है, कतर में वीज़ा निकलना भी इशू हो गया है और कतर के लिए फ्लाइट भी चालू है। अगर आप दुबई जाना चाहते हो तो दुबई के लिए विजिट वीज़ा पे जो एजेंसी है वो मंगवा रहे हैं और 3 महीने बाद विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में वो चेंज कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप जाना चाहते हो तो दुबई या कतर जा सकते हो। सऊदी अरबिया के लिए आपको जनवरी तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सऊदी अरबिया आ सकते हो। आज का अपडेट इतना ही था, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।